हेलो दोस्तों, मैं दीपांशु कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ टैलेंटेड बॉय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है आपका एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस से एक चैप्टर आता है जिसका नाम है मिल्क यानी कि दुग्ध। तो दुग्ध के बारे में आज हम बात करेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। मिल्क से संबंधित एक क्रांति आती है। मिल्क से संबंधित एक रिवॉल्यूशन आई थी जिसका नाम था व्हाइट रिवॉल्यूशन संबंधित है किससे? मिल्क से। ठीक है, अब मिल्क जो व्हाइट रिवॉल्यूशन लाए थे उनका नाम था डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। यानी कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन को फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इसके बाद एक योजना आई थी जिसका नाम था ऑपरेशन फ्लड। एक योजना आई जिसका नाम था ऑपरेशन फ्लड, और ये योजना 1970 ईस्वी में आई जिसकी स्थापना हुई नई दिल्ली में। और इसका सिर्फ एक उद्देश्य था कि दूध का उत्पादन बढ़ाना, किसी भी प्रकार से दुग्ध का उत्पादन बढ़ाना। तो ऑपरेशन फ्लड जो एक योजना चलाई गई 1970 में जिसकी स्थापना हुई और इसका जो मुख्यालय बना न्यू दिल्ली में, उसके बाद 1986 में इसका मुख्यालय जो बना वह बना आपका करनाल हरियाणा में। कहां पर? करनाल हरियाणा में। और करनाल हरियाणा में एक डेयरी है जिसका नाम है आनंद या आनंदा डेयरी। ठीक है, तो ये वहीं से चलाया गया था, आनंदा डेयरी से या करनाल हरियाणा से। कौन सा? ऑपरेशन फ्लड, जिसका मुख्यालय है करनाल हरियाणा 1986 में, जबकि 1970 में स्थापना हुई थी न्यू दिल्ली में। और मिल्क से संबंधित जो क्रांति है या रिवॉल्यूशन है वह है आपकी व्हाइट रिवॉल्यूशन, और व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर जो कहे जाते हैं वो है आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, उसके बाद अगला आता है कि मिल्क का उत्पादन सबसे अधिक किस देश में होता है। यानी कि हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन इन वर्ल्ड। तो हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन इन वर्ल्ड में जो आता है वह है आपका इंडिया, मीन्स भारत। भारत जो है वह आपका फर्स्ट पोजीशन पर आता है मिल्क प्रोडक्शन में। यानी कि दुग्ध उत्पादन में आपका जो भारत है वह आपका नंबर वन पर आता है। अब यदि बात करें कि हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया, यदि इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में आपका पहला आता है यूपी और नंबर दो पर आता है आपका राजस्थान। यानी कि जो सबसे अधिक इंडिया में सबसे अधिक दुग्ध का उत्पादन होता है वह होता है आपका यूपी में, और यूपी के बाद अगर कहीं होता है तो वह होता है आपका राजस्थान में। ठीक है, तो मिल्क का उत्पादन संसार में या विश्व में जो होता है वह होता है आपका इंडिया में, जबकि इंडिया की यदि हम बात करें तो इंडिया में होता है आपका यूपी में और राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद अगला आता है आपका कि मिल्क में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है केसीन प्रोटीन। और मिल्क की कुल प्रोटीन का जो केसीन पाया जाता है वह लगभग 70-80% पाया जाता है। अब ये इसके भी भाग होते हैं, जैसे आपकी गाय में प्रोटीन अलग मात्रा में पाई जाती है और भैंस में अलग मात्रा में पाई जाती है। तो गाय में जो प्रोटीन पाई जाती है उसकी मात्रा होती है 3.4%, जबकि भैंस में जो पाई जाती है वह होती है आपकी 4%। ठीक है, या फिर कहीं कहीं पर 3.9% भी लिखा होता है तो वह भी सही है। ठीक है, यानी कि प्रोटीन जो पाई जाती है मिल्क में, जो प्रोटीन पाई जाती है वह आपकी केसीन प्रोटीन पाई जाती है, और कुल प्रोटीन का 70-80% केसीन पाया जाता है, जबकि प्रोटीन जो है वह आपका गाय और भैंस में अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। यानी कि गाय में जो है आपका 3.4% प्रोटीन पाई जाती है, जबकि भैंस में आपकी 4% प्रोटीन पाई जाती है, 4% प्रोटीन।
ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा कि भैंस का जो दूध होता है वह आपका व्हाइट कलर का होता है, गाय की अपेक्षा भैंस का दूध अधिक सफेद कलर का होता है, या फिर यूं कह दें कि जो दुग्ध का कलर होता है यानी कि जो मिल्क का व्हाइट कलर होता है, व्हाइट कलर इन मिल्क जो होता है वो किसके कारण होता है, तो ड्यू टू आपका केसीन के कारण, यानी कि केसीन प्रोटीन के कारण ही दूध में सफेद कलर होता है। लेकिन अब एक इसमें कैटेगरी ये है कि जो गाय का जो दूध होता है उसको आपने देखा होगा वो आपका हल्का येलो मींस लाइट येलो कलर लिए हुए होता है ड्यू टू मींस किसके कारण कैरोटीन के कारण गाय का रंग पीलापन लिए हुए होता है, या फिर इंग्लिश में कह दें कि लाइट येलो कलर ड्यू टू कैरोटीन, यानी कि जो मिल्क में आपका जो हल्का पीलापन, गाय के दूध में जो हल्का पीलापन लिए हुए होता है तो वह होता है आपका कैरोटीन के कारण। ठीक है, अब यहीं पर हम बात कर लें कि जो प्रोटीन है तो वह किस रूप में पाई जाती है, इन मिल्क यानी कि दुग्ध में जो प्रोटीन है या मिल्क में जो प्रोटीन है वह आपकी किस रूप में पाई जाती है, तो वह पाई जाती है आपकी कोलोइडल रूप में। कोलोइडल से तात्पर्य हमने आपको ब्लड में बताया है, ब्लड वाले वीडियो में। तो यदि आपने ब्लड वाला पार्ट वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आप हमारी वीडियो प्लेलिस्ट में जा करके हमारा ब्लड वाला वीडियो देख सकते हैं। कोलोइडल से तात्पर्य है कि कुछ भाग इसमें तरल होता है और कुछ भाग इसमें ठोस होता है। ठीक है, तो दुग्ध जो है वह आपका कोलोइडल है, यानी कि कुछ भाग टोटल इसमें फ्लूइड नहीं है, यानी कि टोटल दुग्ध जो है वह आपका लिक्विड नहीं होता है, यह कोलोइडल होता है, कुछ भाग इसका तरल होता है और कुछ भाग इसका ठोस होता है। ठीक है, तो यह आपका जो है वह आपका प्रोटीन आपकी दुग्ध में कोलोइडल के रूप में पाई जाती है। उसके बाद अगला आता है आपका फैट। फैट जो है वह आपका खिलाई पिलाई के आधार पर निर्भर करता है। प्रत्येक पशु का फैट अलग अलग होता है। ठीक है, गाय के दूध में जो फैट की मात्रा होती है वो होती है 4.9%। हालांकि ये एक औसत है जो कि किताबों में लिखा है, बस वही हम आपको बता रहे हैं कि गाय के दुग्ध में जो वसा की मात्रा होती है वह होती है 4-9%, जबकि भैंस के दुग्ध में जो वसा की मात्रा होती है वह होती है 6.6%। ठीक है, ये एक औसत है। अब कि दुग्ध में फैट के जो ग्लोब्यूल्स होते हैं मींस कण, किसके, वसा के जो कण होते हैं दुग्ध में, जो वसा के कण होते हैं जिन्हें हम फैट ग्लोब्यूल्स, इंग्लिश में जिन्हें हम फैट ग्लोब्यूल्स के नाम से जानते हैं, तो वो किस रूप में पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं आपके इमल्शन के रूप में। किस रूप में? इमल्शन के रूप में। अब यदि हम आपको एक याद करने की ट्रिक बता दें कि एफ से फैट और ई से इमल्शन, एफ ई से याद कर लें कि एफ से फैट और ई से इमल्शन, जबकि हमने आपको प्रोटीन में बताया था कि प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है, पी से प्रोटीन और सी से कोलोइडल। प्रोटीन जो है वह आपकी दुग्ध में कोलोइडल के रूप में पाई जाती है, तो पी से प्रोटीन और सी से कोलोइडल। तो ऐसे आप याद कर ले पी सी से पी सी, तो आपको याद आ जाएगा कि प्रोटीन कोलोइडल जबकि फैट इमल्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद कर लें तो आपको थोड़ी सी सरलता रहेगी। उसके बाद अगला आता है आपका दुग्ध में सुगर पाई जाती है मींस शर्करा। दुग्ध में जो शर्करा पाई जाती है वह आपकी लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा? लैक्टोज। अब लैक्टोज जो शर्करा होती है वह आपकी डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होती है। डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का मतलब है कि यह आपके दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है, जिसमें आपका एक होता है आपका ग्लूकोज का अणु ग्लूकोज प्लस एक होता है आपका गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज।
यानी कि एक होता है आपका ग्लूकोज काढ़ू और दूसरा होता है आपका गैलेक्टोज काढ़ू, जिसके मिलने से आपका लैक्टोज का निर्माण होता है और लैक्टोज जो शर्करा है वह आपकी मिल्क में पाई जाती है। यदि आपसे कोई पूछ दे कि मिल्क में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या है, तो मिल्क में पाई जाने वाली शर्करा का नाम लैक्टोज है और लैक्टोज डाइसैकेराइड शुगर है और डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के बारे में यदि हम बात करें तो वह आपका लैक्टोज जो है वह आपका एक ग्लूकोज काढ़ू और एक गैलेक्टोज काढ़ू के मिलने से आपका लैक्टोज शुगर का निर्माण होता है। ठीक है, ये हो गई आपकी शुगर की बात। उसके बाद अगला आता है आपका कि शुगर एंड मिनरल्स जो हैं वह आपके मिल्क में किस रूप में पाए जाते हैं। जैसे आपका फैट हो गया, फैट आपका इमल्सन के रूप में पाया जाता है, जबकि प्रोटीन जो है वह आपकी कोलोडल के रूप में पाई जाती है। उसी प्रकार से शुगर एंड मिनरल्स मीन शर्करा और खनिज लवण, आपके दुग्ध में जो खनिज लवण और शर्करा पाई जाती है वह आपकी किस रूप में पाई जाती है, तो वह आपकी पाई जाती है सॉल्यूशन के रूप में। किस रूप में? सॉल्यूशन मीन्स जिसे हम हिंदी में कहते हैं विलयन। किसके रूप में? विलयन के रूप में आपकी जो है शुगर एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी शुगर एंड मिनरल्स की बात। उसके बाद अगला आता है आपका दुग्ध में किस तत्व की कमी पाई जाती है, लैक ऑफ एलिमेंट। दुग्ध में किस तत्व की कमी पाई जाती है, यानी कि यहां पर लिख दें इन मिल्क। तो दुग्ध में किस तत्व की कमी पाई जाती है, तो वह पाई जाती है आपकी आयरन नामक तत्व की। और ये आयरन नामक तत्व, ये जो है, ये क्वेश्चन जो है लैक ऑफ एलिमेंट इन मिल्क मीन्स दुग्ध में किस तत्व की कमी पाई जाती है, वह पाई जाती है आपकी आयरन मीन्स लोहे की। और यह क्वेश्चन आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 2015 में पूछा गया था। 2015 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस तत्व की कमी पाई जाती है दुग्ध में किस तत्व की कमी पाई जाती है, तो वह पाई जाती है आपकी आयरन की। जबकि किस तत्व की अधिकता पाई जाती है, यदि आपसे ये पूछा जाए कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एलिमेंट इन मिल्क, तो वह पाई जाती है आपकी फास्फोरस एंड कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है किसमें, मिल्क में। जबकि कमी पाई जाती है किस तत्व की, आयरन नामक तत्व की कमी पाई जाती है और अधिकता पाई जाती है फास्फोरस एंड कैल्शियम की। अब यहीं पर ये तो हो गई आपकी तत्व की बात, यहीं पर यदि हम बात कर लें कि किस विटामिन की कमी पाई जाती है, किस विटामिन की कमी पाई जाती है दुग्ध में, तो लैक ऑफ विटामिन इन मिल्क। तो वह आपकी जो विटामिन है वह है आपकी विटामिन सी की कमी पाई जाती है आपकी मिल्क में। जबकि हाईएस्ट अमाउंट इन मिल्क मीन्स दुग्ध में या मिल्क में सबसे अधिक मात्रा किस विटामिन की पाई जाती है, तो वह पाई जाती है आपकी विटामिन ए की मात्रा दुग्ध में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, जबकि कमी पाई जाती है विटामिन सी की। ठीक है, उसके बाद अगला आता है आपका कि मिल्क में, एक चीज हम आपको बता दें कि यदि आप दूध को जब गर्म करते हैं, यानी कि मिल्क को यदि जब हम गर्म करते हैं, तो उसमें एक ऊपर एक झिल्ली बन जाती है, यानी कि जिसे हम देहाती भाषा में या गांव की या देसी भाषा में मलाई के नाम से जानते हैं, मलाई कहते हैं। बोले कि हमारे दूध के ऊपर ये मलाई जम गई, तो वह किसके कारण जमती है? दूध को गर्म करने पर दूध के ऊपर जो झिल्ली एक परत जम जाती है झिल्ली के रूप में, वह आपकी जमती है एल्ब्यूमिन के कारण। और एल्ब्यूमिन यह एक प्रोटीन है, और एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन जो है यह आपके अंडे में पाई जाती है, और इसी के कारण जो है दूध को गर्म करने पर दूध के ऊपर झिल्ली जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे हम गांव की भाषा में या देहाती भाषा में या देसी भाषा में मलाई, या कहीं कहीं पर इसे साड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वह आपकी एल्ब्यूमिन के कारण पड़ती है। उसके बाद जो है वह आपका अगला आता है कि
एक आता है आपका सिंगल टोंड मिल्क, सिंगल टोंड मिल्क, डबल टोंड मिल्क, सिंगल टोंड मिल्क एंड डबल टोंड मिल्क। इसमें जो है आपकी फैट की मात्रा, हम आपको बता दें कि लड़के इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सिंगल में डबल पाई जाती है और डबल में सिंगल पाई जाती है। वो किस प्रकार से कि सिंगल टोंड मिल्क में जो वसा की मात्रा होती है वो होती है आपकी 1.5%, सॉरी 3%, जबकि डबल टोंड मिल्क में होती है आपकी 1.5%। जस्ट उल्टा होता है, जस्ट उल्टा, सिंगल टोंड मिल्क में आपकी 3%, सिंगल टोंड मिल्क में आपकी 3%, जबकि डबल टोंड मिल्क में आपकी 1.5% वसा पाई जाती है। ठीक है, कितनी? डबल टोंड मिल्क में आपकी 1.5% वसा पाई जाती है। और एक बात हम आपको और बता दें कि मिल्क में एक एस एन एफ मीन्स सॉलिड नॉट फैट, इसका एस एन एफ का पूरा नाम होता है सॉलिड नॉट फैट का मतलब होता है ठोस रहित वसा, यानी कि कुल ठोस रहित वसा जो है वह आपकी दुग्ध में कितनी पाई जाती है, तो वह पाई जाती है आपकी औसत जो है वह आपका 8.5% का औसत है, कि लगभग एवरेज 8.5% तक दुग्ध में सॉलिड नॉट फैट पाई जाती है, जबकि जिसे हम इंग्लिश में हिंदी में कुल ठोस रहित वसा, जबकि इसका शॉर्ट रूप जो है वह आपका SNF, जब हम दूध को लेकर डेयरी पर जाते हैं तो वहां पर आपको SNF ही निकाल कर दिया जाता है, बोले आपका SNF कितना आया और आपका SNF कितना आया, तो वही होता है आपका, ये औसत होता है आपका 8.5। उसके बाद डबल टोंड मिल्क में जो आपकी वसा की मात्रा होती है वह होती है आपकी 1.5%, जबकि सिंगल टोंड मिल्क में जो आपकी वसा की मात्रा होती है वह होती है आपकी 3%। ठीक है, तो ये हो गई आज आपकी दुग्ध मीस मिल्क पर आपकी फुल बात। अब यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो पर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।